वेलकम टू एम टेक्स दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ Xiaomi के 108 मेगापिक्सल कैमरा लेंस के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि Xiaomi एक ऐसा स्मार्टफोन ब्रांड है जो सबसे पहले लेकर आया था 48 मेगापिक्सल कैमरा वाला स्मार्टफोन Redmi Note सीरीज के नाम से, और ये फोन काफी पॉपुलर रहा अपने कैमरे की वजह से और काफी लोगों के बीच में ये फोन चर्चा का विषय बना रहा बहुत दिनों तक। लेकिन Xiaomi आज से कुछ दिन पहले ही चाइना में अपना एक नया ही स्मार्टफोन लॉन्च किया है जो कि है Redmi Note 8 Pro, और इस फोन में कैमरा लेंस यूज किया गया है वो है 64 मेगापिक्सल वाला, और ये फोन भी इंडिया में कुछ दिन के बाद लॉन्च हो जाएगा। लेकिन Xiaomi यहीं पर खामोश नहीं रहने वाला है, और अब जो काम कर रहा है Xiaomi वो है मेगापिक्सल वाला स्मार्टफोन की तैयारी कर रहा है। तो आखिर ये स्मार्टफोन कौन होगा और कौन से स्मार्टफोन में ये कैमरा लेंस यूज किया जाएगा, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। लेकिन उससे पहले, आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कर लीजिए ताकि आपको कुछ इसी तरह के इंफॉर्मेशन देखने को मिले। तो दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर ये कैमरा लेंस 108 मेगापिक्सल का कैमरा लेंस Xiaomi कौन से फोन में यूज कर सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर जितने भी Xiaomi के सीरीज है, स्मार्टफोन सीरीज है, चाहे आप वाई सीरीज ले लीजिए, नोट सीरीज ले लीजिए, और उसी तरह से जितने भी सीरीज आता है Xiaomi की तरफ से, जितने भी उसका ब्रांड के सीरीज है, उन सभी का जो लेटेस्ट सीरीज है, लेटेस्ट स्मार्टफोन है, वो लॉन्च कर दिया गया है आज से एक महीना पहले या कुछ दिन पहले। लेकिन अभी तक दो ऐसा सीरीज है जो Xiaomi ने लॉन्च नहीं किया है, और इस सीरीज में ये कैमरा लेंस यूज हो सकता है। तो यहां पर सबसे पहली बारी आती है Poco F2। जैसे कि आप सभी को पता है कि Poco F1 आ चुका है, लगभग आज से एक साल पहले ही लॉन्च कर दिया गया था इंडिया में, लेकिन Poco F2 का कोई भी यहां पर लेटेस्ट न्यूज़ नहीं आता है, और ना ही किसी तरह का यहाँ पर कोई भी यहाँ पर लीक्स निकल के आते हैं कि आखिर ये फ़ोन आएगा भी या नहीं आएगा। तो सबसे पहला तो यहाँ पर Poco F2 में जो ये कैमरा लेंस यूज हो सकता है, अगर आता है Poco F2 तो। और उसके बाद यहाँ पर Xiaomi एक और सीरीज चलाता है अपना Mi Max सीरीज के नाम से। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि आज से कुछ दिन पहले ही लॉन्च किया था Xiaomi ने Mi Max 3, और इस Mi Max 3 भी काफ़ी अच्छा फ़ोन रहा और काफ़ी अच्छा इसमें स्पेसिफिकेशन हमें देखने को मिलता था। लेकिन जो लीक्स निकल के आ रही है ये कैमरा के, जो लीक्स निकल के आ रही है कि आखिर ये कैमरा कौन से फ़ोन में यूज़ होगा, तो वो लीक्स यही कह रही है कि Xiaomi का Mi Max 4 जो आने वाला है फ़ोन, उसमें ये कैमरा लेंस यूज़ किया जाएगा। लेकिन आप नीचे कॉमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको किस स्मार्टफोन में ये कैमरा लेंस यूज होगा तो अच्छा रहेगा, तो आप नीचे कमेंट में जरूर बताइए। लेकिन अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर ये Mi Max 4 जो फोन आने वाला है 108 मेगापिक्सल लेंस के साथ में, ये इंडिया में लॉन्च होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पर दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि Mi Max का जितने भी स्मार्टफोन Xiaomi बनाता है उसमें से बहुत ही कम ऐसे फोन है जो इंडिया में लॉन्च करता है, क्योंकि इसकी जो प्राइस रहती है वो काफी हाई रहती है, और इस वजह से ये सीरीज का फोन Mi Max सीरीज का फोन इंडिया में लॉन्च नहीं किया जाता है। और जैसे कि आपको पिछला Mi Max 3 याद होगा आपको कि ये इंडिया में लॉन्च नहीं किया गया है, जिनको भी ये फ़ोन यूज़ करना होता था वो बाहर से लेकर कहीं और कंट्री से लेकर आते थे और यूज़ करते थे और करते हैं। लेकिन अब बात करते हैं कि क्या ये फ़ोन Mi Max 4 अगर 108 मेगापिक्सल कैमरा लेंस के साथ में आता है तो क्या इंडिया में लॉन्च होगा। तो इसके ऊपर कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जब Mi Max सीरीज का जो स्मार्टफोन होता है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि उसका प्राइस बहुत ज़्यादा होता है, और इस प्राइस की वजह से इंडिया में ये फोन काफी नहीं बिकती है और सेल बहुत ही कम होता है और लोग उसे बहुत कम खरीदते हैं, क्योंकि इसकी प्राइस जो होती है वो बहुत टॉप लेवल पर होती है। और जो Redmi सीरीज है या और Poco सीरीज है या और जो यहाँ पर K20 सीरीज है, उससे काफी हाई इसकी प्राइस होने वाली है और रहती है, ऐसा ही आप चेक कर सकते हैं Mi Max 3। तो इस वजह से हो सकता है कि ये फोन इंडिया में लॉन्च नहीं किया जाए और ना ही हमें देखने को मिले। लेकिन आपको ये फोन मिल सकता है अगर आप अलग अलग वेबसाइट पर जाएंगे, अगर ये फोन लॉन्च होता है, अगर इंडिया में लॉन्च नहीं होता है, ग्लोबल में लॉन्च होता है, तो आपको ये फोन मिल सकता है। आप बस अलग अलग वेबसाइट पर जाकर और इसे बाय कर सकते हैं अगर आप ये फोन लॉन्च होता है, और उसके बाद मुझे बताएंगे कैसे इस फोन को बाय करना है, तो उसके लिए अलग से मैं आपको बता दूंगा कि आपको कैसे बाय करना है। बस आज के वीडियो में इतना ही मैं आपको बताने वाला था Xiaomi के 108 मेगापिक्सल कैमरा लेंस के बारे में।
जो कि मैं आपको बता दिया सभी का सभी यहाँ पर डिटेल्स। अगर आपको इसके बाद भी किसी तरह का सवाल है तो नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको लगता है कि ये कैमरा लेंस किसी और फोन में यूज होना चाहिए वो भी नीचे कमेंट में बताइए। जो चीज भी चाहिए नीचे कमेंट में बताइए, मैं कोशिश करूंगा कुछ चीजें आपको और शेयर करने की। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।